भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले इंडी गठबंधन तय करे कि बजट को लेकर उनका स्टैंड क्या है। अगर किसी राज्य को उसका अधिकार दिया जाए तो इंडी गठबंधन के लोग उस राज्य के लोगों का किस तरह से अपमान करते हैं। आरजेडी को बताना चाहिए कि क्या वो मल्लिका अर्जुन खड़गे की बातों से सहमत है। क्या वो खड़गे जी की तरह नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बिहार को उसका अधिकार मिला। यही तो वो लोग हैं जो विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। उन्हें बजट से नहीं, बजट बनाने वाले लोगों से समस्या है। देखिए, सबसे पहले तो इंडी अलायंस तय करे कि बजट को लेकर उनका स्टैंड है क्या। आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, खड़गे जी कहते हैं कि बिहार और आंध्रा को पकौड़ी और जलेबी मिली। मतलब कि किसी राज्य को उसका अधिकार दिया जाए तो इंडी अलायंस के लोग उस राज्य के लोगों का किस प्रकार से अपमान करते हैं। आरजेडी को बताना चाहिए कि क्या वो खड़गे जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो खड़गे जी की तरह नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे क्योंकि बिहार को उसका अधिकार मिला। यही तो वो लोग थे जो स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, और आज जब बिहार और आंध्र को उनका अधिकार मिला है, अब वो कहते हैं कि बाकी राज्यों का नाम नहीं लिया। क्या यूपीए के ज़माने में किसी भी बजट में सभी स्टेट्स का नाम बजट की स्पीच में लिया गया? उल्टा, जब यूपीए की सरकार थी और 2012-13 में तमिलनाडु में एडीएमके की सरकार आई, तो जो तमिलनाडु का नाम 2006 से लेकर 11 तक हर बजट में लिया जाता था, उस तमिलनाडु का नाम लेना ही यूपीए सरकार ने बंद कर दिया बजट में। इसको कहते हैं अवसरवादिता। आज जो बजट में पैसा दिया गया है, 12,40,000 करोड़ जो राज्यों को आवंटित किए गए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा 2,23,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिला, लगभग 18%। यूपीए के जमाने में ये केवल 59,000 करोड़ था। आज पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़ मिला। वहां पर ना कोई चुनाव है, ना वहां पर कोई सहयोगी दल है। उसके बाद महाराष्ट्र को 78,000 करोड़ मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र को स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, महाराष्ट्र को वधावन पोर्ट भी मिला है। परंतु केवल और केवल झूठ की राजनीति करना, दिग्भ्रमित करना, और अब कहा जा रहा है कि हम नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। राष्ट्रहित में जो भी कार्य होता है इंडिया अलायंस उसका बहिष्कार करती है। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बहिष्कार कांग्रेस ने किया। हमने देखा है कि किस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार विपक्षी दलों ने किया। तो ये उनकी मानसिकता बन चुकी है। मोदी विरोध में ये विकास विरोध पर उतर आए हैं, और उनको बजट से नहीं, बजट बनाने वाले लोगों